हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। ये पार्ट टू वीडियो है, जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। पार्ट वन वीडियो क्लास सेवन का है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें से मैंने आधा पढ़ा दिया था, आधा बाकी था, तो आधा अब आज हम लोग स्टार्ट कंप्लीट करते हैं। और मैं इस वीडियो में पूरा शुद्ध हिंदी में समझाता हूँ ताकि बच्चे को किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट। मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था हेटरोट्रॉपिक्स प्लांट तक, ठीक है। और ऑटोट्रॉपिक्स प्लांट देखे थे और हेटरोट्रॉपिक्स प्लांट देखे। न्यूट्रिशन का दो मोड्स होते हैं, एक हेटरोट्रॉप्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। हेटरोट्रॉप्स मतलब कि ग्रीन प्लांट्स को बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स मतलब ग्रीन प्लांट्स को बोलते हैं। हेटरोट्रॉप्स जैसे उसका अपोजिट होता है, नॉन ग्रीन प्लांट्स को भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ लिए थे, हेटरोट्रॉप्स के बारे में पढ़ लिए थे। अब हेटरोट्रॉप्स में कौन कौन सा प्लांट्स आते हैं उस चीज़ के बारे में पढ़ना था हम लोग। तो एक पैरासाइटिक प्लांट्स है, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, सिम्बायोटिक प्लांट्स है। तो इन प्लांट्स के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, वन बाई वन करके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप लिंक दिया हुआ है पार्ट वन वीडियो का मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं, पार्ट वन भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद यहां आएंगे तो और बेटर वेसर समझ में आएगा। तो चलिए अभी पैरासाइटिक प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो, पैरासाइटिक प्लांट्स वो होते हैं ना जो पार्शियली या तो पूरी तरह से, या तो आधा या तो पूरी तरह से वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। अपने फूड के लिए, अपने खाना के लिए वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। हमको पता है कि हेटरोट्रॉपिक्स प्लांट्स क्या होते हैं, कि अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, और ऑटोट्रॉप में अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो यहाँ पर ये हम लोग हेटरोट्रॉप्स के बारे में पढ़े ना, तो हेटरोट्रॉप्स में पैरासाइटिक प्लांट्स भी आ जाते हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। और यहाँ पर क्या है कि वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, जो दूसरे प्लांट्स पे, जो दूसरा प्लांट्स को खाना देता है उस प्लांट्स के लिए, ठीक है। यूजुअली पैरासाइटिक प्लांट्स डेवलप स्पेशल, और ज़्यादातर होते हैं ना कि पैरासाइटिक प्लांट्स, उनके पास स्पेशल रूट्स होते हैं, उनका जो जड़ होता है स्पेशल जड़ होता है, जो क्या करता है, पेनिट्रेट करता है इनटू द टिश्यूज ऑफ द होस्ट प्लांट। वो क्या करता है कि जो प्लांट्स होते हैं होस्ट, जो उनको खाना देते हैं, उस पर क्या करता है, पूरी तरह से चढ़ जाता है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे उस पर आ जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो, इस तरह से आपके अगल बगल में भी ऐसा प्लांट्स आपको देखने को मिला होगा जो ये रूट्स टाइप पूरी तरह से दूसरे प्लांट्स पर चढ़े हुए रहते हैं। एंड प्रिपेयर्ड फूड, द प्रिपेयर्ड फूड इज जनरली ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द रूट और द स्टीम ऑफ द होस्ट प्लांट। देखो, और जो फूड प्रिपेयर जो प्लांट्स है, जैसे मान के चलो ये प्लांट्स है, ये मान के ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स है, ठीक है, ये ऑटोट्रॉफिक प्लांट है, ये ग्रीन प्लांट, ये अपना खाना खुद से बना रहा है। और इस पर क्या है, ये पैरासाइटिक प्लांट्स है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। ये वाला जो है इस पर, तो ये क्या करे कि ये हमारे जो प्लांट्स है ये होस्ट हो गया, ठीक है, और ये क्या करेगा, इसको खाना देगा, इस पे डिपेंड रहेगा प्लांट्स पे, ऑटोट्रॉप पे डिपेंड रहेगा। और ये अपना खाना कैसे लेगा, या तो रूट से या तो अपना स्टीम से लेगा। इसका देखो ना, रूट्स वगैरह चारों तरफ है, स्टीम जो इसके थ्रू लेता है वो प्लांट। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल्स है इसका, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, सम एग्जाम्पल्स आर कुस्कुटा, ठीक है, कुस्कुटा जिसको डोडर बोलते हैं, और मिस्ट लेटोए, ठीक है, मिस्ट लेटोए, ये भी एक प्लांट्स है जो कि दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं अपना खाना के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हो। हम इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा समझा दे रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे आपको हल्का सा भी। देखो, डोडर जो होते हैं, कुस्कुटा जिसको बोलते हैं, दोनों बोल सकते हो, डोडर भी बोल सकते हो, कुस्कुटा भी बोल सकते हो। इनका जो रूट्स होता है शॉर्ट होता है और लंबा होता है, हैज़ अ शॉर्ट रूट एंड अ लॉन्ग थ्रेड लाइक ए स्टीम। इसका जो स्टीम होता है लंबा होता है, और जो रूट होता है ना जड़, वो शॉर्ट होता है, ठीक है। इट ट्विन्स अराउंड द होस्ट स्टीम दैट सेंड द ब्रांचे टू नेबरिंग स्टीम। अब ये क्या बोल रहा है कि ये चारों तरफ कोई भी प्लांट्स है, जैसे कि ये प्लांट्स है, ये होस्ट हुआ इसका, और ये इसके चारों तरफ घिर जाता है, इसके चारों तरफ पूरा पूरी तरह से इसको घेर लेता है, ठीक है, अपना जो नेबरिंग प्लांट है, अगल बगल उसका जो प्लांट्स होते हैं, इस प्लांट्स के, जैसे कि डोडर के अगल बगल जो भी प्लांट्स है उसके चारों तरफ क्या करता है, घिर जाता है, और उसी से वो क्या करता है, खाना लेता है। ये हमारा कौन सा प्लांट्स है, नेक्स्ट वाला देखिए, मिस्ट लेटोए, ये एक लेदरी होते हैं, ठीक है, ग्रीन होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं, इनका पत्ता जो होता है ग्रीन होता है। एंड इट कैन मेक इट्स ऑन फिन, और ये क्या करता है, अपना खाना खुद से बना सकता है, ठीक है। हाउएवर द प्लांट स्टिल डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर द मिनरल्स एंड वाटर। ये तो अपना खाना खुद से बना रहे, हम बताए थे कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे कि मिनरल हो गया, वाटर हो गया, पानी और मिनरल, वो प्लांट्स क्या करता है, अपना जो जड़ होता है उनका जड़ से वो क्या करते हैं, ये लेता है
पानी लेता है, वाटर लेता है और मिनरल लेता है जड़ से, ठीक है। बाकी कुछ मिलता है तो ऊपर से ही मिलता है ना, तो जैसे कि सन का लाइट के थ्रू खाना बनाता है तो उसको उसके थ्रू मिलता है, तो इनका सन का लाइट के थ्रू जो जो मिल पा रहा है मिल ले रहा है, लेकिन इनको मिनरल और वाटर कहाँ से मिलेगा, दूसरे प्लांट से, जो ये होस्ट प्लांट है इसके थ्रू ये क्या करता है, मिनरल और वाटर लेता है, तो डिपेंड है ना दूसरे तरफ से, मतलब कि पूरी तरह से डिपेंड नहीं है मगर आधा डिपेंड है, अब ये पूरी तरह से डिपेंड है इस तरह से, ठीक है। इसलिए वहाँ पे लिखा गया था, यहाँ पे देखिए पार्शियली और कम्प्लीटली, पार्शियली और कम्प्लीटली, या तो पूरी तरह से या तो आधा। अब यहाँ पे क्या दिया गया, इन अ पैरासाइटिक रिलेशनशिप, अब पैरासाइटिक का रिलेशनशिप जैसे कि एक दूसरे से जो रिलेशनशिप है, इन लोग ये प्लांट से ये प्लांट जुड़ा हुआ है, इससे ये ले रहा है, ये भी इससे खाना ले रहा है, ठीक है। ओनली द पैरासाइटिक प्लांट्स बेनिफिट, सिर्फ पैरासाइटिक प्लांट्स ही बेनिफिट उठाता है। द पैरासाइटिक प्लांट्स हार्म द होस्ट प्लांट टू द सम एक्सटेंट बाई स्लोइंग डाउन द इट ग्रोथ एंड समटाइम काउजिंग हैवी डैमेज। देखो क्या होता है ना कि इसके कारण क्या होता है कि जो पैरासाइटिक प्लांट्स हैं ये दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, अब इस पे पूरी तरह से उस पे छा जाते हैं, दिख रहा है ना कैसे छा गए हैं, इस पे भी छा गए हैं, तो इससे क्या होता है कि जो ये प्लांट्स है, जो अदर प्लांट्स है जो इसको दे रहा है, इसको मदद कर रहा है, वो क्या करता है, वो डैमेज कभी कभी क्या होता है कि इस पे गिर जाता है, तो इसका ग्रोथ में जो बढ़ता है, ये सब प्लांट जो बढ़ते हैं तो इनको बढ़ने नहीं देता है, ठीक है, इसको डैमेज कर देता है इसके कारण, ऐसा होता है जैसे कि आप देख पा रहे हो पिक्चर में भी। इसलिए पैरासाइटिक प्लांट्स रेयरली किल्स द होस्ट प्लांट, और इसलिए ज़्यादातर पैरासाइटिक प्लांट्स क्या करता है, जो होस्ट प्लांट होता है उसको मार देता है, जिनका जिस पे ये चढ़ा रहते हैं वो इनको मर जाता है। जनरली आप देखोगे जैसा प्लांट्स रहता हो तो नीचे वाला प्लांट्स क्या करता है, जनरली कुछ दिन तक सर्वाइव करेगा, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसको ये दबा देता है और इसको ना न्यूट्रिएंट्स लेने देता है किसी तरह का, ठीक है। प्लांट्स फूड खाना भी नहीं बनने देगा, नहीं बना पाएगा खाना तो फिर तो मर ही जाएगा ना, ओके, क्योंकि ये खुद से डिपेंड रहता है। ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स हैं ये, ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स भी ये चढ़े हुए रहते हैं, तो ये कैसे होगा। ओके बाबू, तो अब चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। अब यहाँ आते हैं, हम लोग पैरासाइटिक में पढ़ लिए थे, अब हम लोग यहाँ सेप्रोफाइटिक प्लांट्स पढ़ेंगे। पैरासाइटिक में देखें क्या क्या था, अब यहाँ सेप्रोफाइटिक में देखते हैं कि सेप्रोफाइटिक में क्या क्या होता है, कैसे ये प्लांट्स दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, किस चीज़ पे डिपेंड रहते हैं। देखो सेप्रोफाइटिक प्लांट ये एक ऐसा है जो ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर्स। देखो ये क्या करते हैं ना कि ये सब जो प्लांट्स आपको दिख रहे हैं इसको हम लोग सेप्रोफाइटिक प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। कौन सा प्लांट्स बोलेंगे, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। और ये कहाँ से अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है, ये अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है, जो मरे हुए प्लांट्स होते हैं, अगल बगल कोई भी प्लांट्स मर जाते हैं ना, कभी कभी देखते हो ना कि आप प्लांट्स लगाए पौधा मर जाता है और मिट्टी में मिक्स हो जाता है, ठीक है। या तो एनिमल्स वगैरह छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए तो वो भी तो मरते हैं, ऐसा थोड़ी कि वो सब नहीं मरते हैं, या कोई भी एनिमल्स हो गए मर जाते हैं तो मिट्टी में मिक्स हो जाता है, तो अगल बगल इसका जो भी उस तरह का एनिमल्स मरते हैं, ठीक है, डिकेइंग मैटर्स, इसको डिकेइंग प्लांट्स बोलेंगे, डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स बोलेंगे, ठीक है, तो उस चीज़ से इन लोग क्या करता है, खाना लेता है, उसी चीज़ से इन लोग क्या करता है, खाना लेता है। अब सेप्रोज मतलब रॉटिंग होता है और फाइटन मतलब प्लांट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इट इज़ यूजुअली व्हाइटिश, ये ज़्यादातर व्हाइटिश में होता है, वाइट कलर का आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि ब्राइटली कलर होते हैं, फ्लावर उनका ब्राइटली कलर, जैसा कि इसमें आप देख रहे हो कलर में अलग अलग कलर के आ जाते हैं वो। दिस प्लांट्स ऑफन हैव नो लीव्स एट ऑल, अब ये प्लांट्स अक्सर इनके पास पत्ता नहीं होता है किसी तरह का, ठीक है, पत्ता आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। दे ऑफन ग्रो इन डीप शेड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अब ये ज़्यादातर ये डीप शेड में ग्रो करते हैं, डीप शेड मतलब कि जहाँ पे छाया वगैरह है, ठीक है, धूप नहीं रहता है वहाँ पे ये ज़्यादातर ग्रो करते हैं। फॉरेस्ट वगैरह जंगल वगैरह में चले जाओगे तो जंगल में कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा चारों तरफ घना जंगल है तो अंदर तक लाइट नहीं पहुंच पाता है, तो लाइट नहीं पहुंचने के वहाँ का एरिया थोड़ा ठंडक रहता है, तो ये वहीं पे ज़्यादा ग्रो कर जाता है ये सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। गॉट दैट डियर, एग्जाम्पल आर द इंडियन पाइप हो गया, एक कोरल रूट हो गया, ये हमारे इंडियन पाइप है, ये कोरल रूट है, ये नाम है प्लांट्स का। द रूट्स ऑफ सेप्रोफाइटिक प्लांट्स कंटेन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंगाई, जो रूट्स होते हैं ना सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, इनका जो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स का जो जड़ होता है वो क्या कंटेन करता है, क्या कंटेन किए हुए रहता है, ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई उसमें रहता है, फंजाई रहता है। अब फंजाई क्या करता है, देखो फंजाई कन्वर्ट द डेड डिकेइंग मैटर इनटू द न्यूट्रिशन दैट कैन बी यूज्ड एज अ फूड लाइक अ शुगर बाय दिस प्लांट्स, फंजाई आर ऑल्सो कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जैसे कि ये प्लांट्स है,
ओके एग्जांपल दे रहे हैं, ये प्लांट से इसका जो रूट्स होगा ना, ये रूट्स में क्या रहता है, फंजाई रहता है, ठीक है। अब फंजाई का काम क्या है, ठीक है, फंगी का काम क्या है यहाँ पे, ये जैसे कि हम क्या बोले कि ये अपना खाना कैसे ले, जो प्लांट्स वगैरह मर जाते हैं, जो पेड़ पौधे मर जाते हैं अगल बगल जो होंगे, उसका पत्ता गिरता है या एनिमल्स हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, सब मर जाते हैं, तो अंदर क्या करता है कि मिट्टी में वो मिक्स हो जाता है। मिट्टी में जब मिक्स होता है तो उससे लेने का काम कौन करता है, ये फंगाई जो है ना, फंजाई जो है वही क्या करता है कि न्यूट्रिएंट्स लेता है उससे, जो जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं उससे वो लेता है, जैसे कि शुगर हो गया, शुगर ये प्लांट लेता है, और इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फंजाई को यहाँ पे क्या बोला है कि सेप्रोट्रॉप्स बोला गया है, ठीक है, फंजाई के थ्रू इन लोग खाना अपना लेता है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पे। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है, अब इंसेक्ट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, इंसेक्ट प्लस वोरस, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, इंसेक्टिवोरस। इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक है, तो ये उसी तरह से यहाँ पे नाम दिया गया है, जैसा प्लांट्स है उसके हिसाब से ये नाम दिया गया है। ये एक ऐसा प्लांट्स है जो कि कुछ मोस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिशन बाय ट्रैपिंग एंड कंज्यूमिंग द एनिमल्स एंड मेनली इंसेक्ट। ये ऐसे प्लांट्स है जो ज़्यादातर क्या करते हैं कि अपना जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं किस चीज़ से, एनिमल्स को कंज्यूम करके, और बहुत ज़्यादा इंसेक्ट, ज़्यादातर वो इंसेक्ट वगैरह कीड़े मकोड़े वो खाते हैं उसके थ्रू। अब प्लांट्स कीड़े मकोड़े कैसे खाते हैं देखते हैं, ठीक है। द प्लांट्स मोस्टली ग्रो इन द प्लेसेस वेयर द सॉइल इज डिफिशियंट इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और ये प्लांट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं ज़्यादातर, जहाँ पे वो ऐसे सॉइल जहाँ पे वो ज़्यादातर ओ कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना सॉइल में, सभी तरह का न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि अगर अच्छा सॉइल है तो वहाँ पे हेल्दी क्रॉप्स होता है, लेकिन वहाँ पे सॉइल का कुछ कुछ डिफिशियंस रहते हैं, कुछ कुछ की कमी रहती है न्यूट्रिएंट्स के, एग्जांपल में जैसे कि उसमें नाइट्रोजन नहीं रहता, तो ऐसे जगह पे ये प्लांट्स होता है ज़्यादातर, ठीक है। दिस प्लांट्स नीड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सोर्सेज। अब ये प्लांट्स को ज़रूरत होती है कि मतलब कि ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अपने सोर्सेज के हिसाब से ले, उतना उनको मिल नहीं पाता, इसलिए ये कीड़े मकोड़े खाते हैं। और इनका एग्जांपल क्या है, वेनस फ्लाई ट्रैप हो गया, पिचर प्लांट हो गया, ड्रोसेरा हो गया जिसको संड भी बोलते हैं, अब एक ब्लैडर ओट हो गया, ये सब प्लांट्स हैं जिस जो क्या करता है कीड़े मकोड़े खाता। अभी हम इसका पिक्चर भी दिखाएंगे आगे। देखिए ये हमारा एक वेनस फ्लाई ट्रैप है। ये वेनस फ्लाई ट्रैप क्या करता है ना कि इसको क्या कहते हैं कि इसका लीव्स इस तरह से मॉडिफाई किया गया, इसका पत्ता जो है ये इस तरह से मॉडिफाई किया गया है ताकि ये क्या करता है कि अंदर वाला इसका जो सरफेस होता है, इसका अंदर वाला सरफेस होता है वो कैसा रहता है कि शॉर्ट रहता है, स्टीफ हेयर रहता है, मतलब छोटा छोटा हेयर टाइप रहेगा अंदर में, ठीक है। अंदर में जाओगे तो छोटा छोटा हेयर टाइप रहता है और थोड़ा सा लिक्विड टाइप रहेगा। वेन एन इंसेक्ट टच द हेयर, जब इंसेक्ट इस हेयर को टच करता है, ठीक है, हेयर को इसका टच करता है, द लीव्स स्नैप शट इन लेस देन द सेकेंड। जैसे ही इस हेयर को टच करेगा तो लीफ जो है इसका पत्ता ये वाला क्या करता है कि इस तरह से बंद कर देता है तुरंत, एक सेकेंड में उसको क्या कर देता है, तुरंत बंद कर देता है टच करते के साथ, ठीक है। द इंसेक्ट इज देन ट्रैप्ड एंड डाइजेस्टेड, अब इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप्ड हो जाता है, बच जाता है, और बचने के बाद वो ये क्या करता है, प्लांट उसको डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है अपने अंदर। गॉट दैट, इसका नियम क्या है, अब नेक्स्ट हमारा ये इसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपको देखने में कैसा लग रहा है, पिचर, पिचर मतलब घड़ा टाइप में, सुराही टाइप में लगता है ना, उसी टाइप में दिख रहा है। ये ऊपर वाला इसका लीड है, ठीक है, अब ये हमारा इतना बड़ा, इसी में इंसेक्ट जाकर फंस जाता है, कैसे फंसता है अभी बता रहे हैं। इनका जो ये जो प्लांट है ये इस तरह से मॉडिफाई किया गया, पिचर लाइक स्ट्रक्चर है, घड़ा टाइप इसका स्ट्रक्चर है, सुराही टाइप। इसके अंदर क्या होता है ना कि लाइन विद द डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर दैट डू नॉट अलाउ टू ट्रैप इंसेक्ट टू क्लीम अप एंड एस्केप। देखो इसमें क्या रहता है कि अंदर जाओगे तो इसमें भी हेयर टाइप रहता है, छोटा छोटा हेयर रहता है, ठीक है, लाइन टाइप रहेगा। और जब एक बार ये अंदर चला जाता है तो ये क्या करता है कि जो कोई भी इंसेक्ट होता है कि ऊपर क्लीम करके ऊपर चढ़ नहीं सकता है एक बार अंदर गया तो, ठीक ना, फिर ऊपर चढ़ने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, इसलिए वो चढ़ नहीं पाता है, उसमें वो फंस जाता है। द फ्लूइड एट द बॉटम ऑफ द पिचर कंटेन डाइजेस्टिव जूस एंड डाइजेस्टिव द ट्रैप द इंसेक्ट। और क्या करता है, जब यहाँ प्लांट्स गए यहाँ पे तो अंदर जाता है तो अंदर में एक डाइजेस्टिव जूस रहता है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है, और उसमें क्या करता है, प्लांट्स गिरता है और डाइजेस्टिव उसको क्या करता है, जैसे ही प्लांट्स गिरेगा तो ये अपना लीड को बंद कर देगा और बंद करने के बाद उसमें क्या करेगा, डाइजेस्टिव जूस के थ्रू उसको अंदर पचा लेता है, ये सिस्टम है। अभी देखिए एक और है यहाँ पे, संडवी प्लांट्स का कैसे काम, तो यहाँ पे ये वाला देखिए संडवी का क्या काम है, संडवी कैसे इंसेक्ट को ट्रैप करता है। द लीव्स ऑफ द संडवी प्लांट्स हैव अ लॉन्ग, इनका जो लीव्स होता है संडवी का
द लीव ऑफ अ संडवी प्लांट हैव लॉन्ग, लॉन्ग होता है, लंबा होता है, थीन होता है, थीन स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंटेकल्स। ठीक है, इसका ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, पतला टाइप स्ट्रक्चर होता है, फिर गोला, तो इस स्ट्रक्चर को टेंटेकल बोला जाता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, टेंटेकल्स। विच हैव अ ड्रॉप्स ऑफ स्टिकी सब्सटेंस, जिनके पास देखो हल्का बूंदा बूंदा टाइप है ना, बूंदा बूंदा टाइप ऐसा दिख रहा होगा आपको, इसमें स्टिकी सब्सटेंसेस होता है, जो ये लिक्विड जो रह रहा है ना, ये स्टिकी, इसको चिपचिपा टाइप रहेगा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, कॉल्ड म्यूशिलेज, इसको म्यूशिलेज बोला जाता है, एट देयर एंड, जो लास्ट में आपको दिख रहा होगा। वंस एन इंसेक्ट टचेज द टेंटिकल्स, एक बार जो ये टेंटिकल्स को ये टच करता है इंसेक्ट, तो फिर क्या होता है, इट गेट्स स्टक, इसमें ये क्या हो जाता है कि चिपक जाता है इन द म्यूशिलेज में, ये वाला जो बूंदा बूंदा दिख रहा है इसमें वो क्या करता है, चिपक जाता है एंड इज़ अनेबल टू स्केप, और यहाँ से वो छुड़ा नहीं पाता है अपने आप को, और फिर उसके बाद इसके द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये वाला हमारा है स्लेंडर लिप्स होता है, ये ब्लैडर ओट्स है, इसका जो द स्लेंडर लिप्स ऑफ ब्लैडर वर बियर अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल, इसमें ज़्यादा नंबर दिख रहा है ना इस तरह का, तो अलग अलग ढंग का फलता है इसमें बड़े मात्रा में। ठीक है, और छोटा छोटा रहता है, पियर शेप्ड ब्लैडर स्ट्रक्चर, अब इसका जो ब्लैडर ये जो दिख रहा है पियर शेप का ब्लैडर स्ट्रक्चर होता है, छोटा छोटा शेप में ब्लैडर टाइप आपको दिखना देखने को मिल जाता है इसमें। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए, विच एक्ट लाइक अ ट्रैप डोर्स, जो कि एक ट्रैप डोर्स के हिसाब से उसी के जैसा एक्ट करता है, एंड सक इन द स्मॉल इंसेक्ट, और इसको क्या करता है कि इस छोटे छोटे इंसेक्ट को यह क्या करता है, शक कर लेता है, उसको चूस लेता है। ठीक है, इंसेक्ट इन लेस देन सेकेंड, और सेकेंड से भी कम में, एक सेकेंड से भी ये कम में ये सब क्या करता है, ये सब के कारण उसको जो इंसेक्ट आते हैं यहाँ पे उसको तुरंत चूस लेता है इंसेक्ट, ये वाला प्लांट्स। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा सिम्बायोटिक प्लांट्स, अब हम लोग सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में देख लिए, अब सिम्बायोटिक प्लांट्स किसको बोलते हैं, कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होता है ना कि जो किस दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं, उनको फूड शेयर करते हैं और भी रिसोर्सेज जो होते हैं उनको शेयर करते हैं। ठीक है, बोथ द टाइप्स मैनुअली गेन फ्रॉम द ईच अदर, और दोनों क्या करते हैं कि एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स में, जो प्लांट से सिम्बायोटिक प्लांट्स फूड लेते हैं तो ये भी कुछ देते हैं उनको, ऐसा होता है कि मतलब कि लेन देन चलता है इनका, सिंपल लैंग्वेज में समझो। सच प्लांट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स, इस तरह का प्लांट को हम लोग सिम्बायोटिक प्लांट बोलते हैं, एंड द रिलेशनशिप इज कॉल्ड द सिम्बायोसिस, अब इनका जो रिलेशनशिप है एक दूसरे में उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि सिम्बायोसिस बोलते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए एक लीचेंस है, ये वाला जो प्लांट्स आपको दिख रहा है ये लीचेंस प्लांट्स है, इसको लीचेंस बोलते हैं, लीचेंस, ये एक सिम्बायोटिक जो फंगस और माइक्रोस्कोपिक क्लोरोफिल कॉन्टेंट ऑर्गेनिज्म, फंगस के बीच में और माइक्रोस्कोपिक जो क्लोरोफिल कॉन्टेंट ऑर्गेनिज्म है ना वो, जैसे ग्रीन अलगी, उनके बीच में इनका रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ग्रीन अलगी जो होते हैं उनके बीच में, जो इसका सिंगुलर फॉर्म अलगा है और ये प्लूरल हमारा अलगी होता है, द अलगी प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस, और अलगी किसको प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स, फंगस को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फंगस को प्रोवाइड करता है, और फंगस क्या हेल्प करता है अलगी को कि उनका जो हार्श कंडीशन में ग्रो करते हैं, जैसे कभी कभी उनका कमी हो जाता है कि नहीं वो ये बारिश नहीं हुई या फिर सन नहीं निकला, तो उस कंडीशन में ये उसको मदद करता है, नहीं होता है कि उनका कंडीशन ख़राब है तो ये मदद किया, इनका कंडीशन ख़राब है तो वो मदद किया, ऐसा सिस्टम चलता है इनके पास। ठीक है, प्लेसेस वेयर दे वुड अदरवाइज नॉट सर्वाइव, इसलिए यहाँ पे इस प्लेसेस पे वो उनको हार्श कंडीशन में उनको मदद करता है, अगर नहीं मदद करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। ठीक है, अब यहाँ पे जो सॉइल है उसको हम लोग कैसे रिप्लेनिशमेंट करते हैं, किस तरह से, अभी हम लोग इसको देखते हैं। प्लांट्स यूज़ द मिनरल्स, प्लांट्स जो है क्या यूज़ करते हैं, मिनरल्स यूज़ करते हैं, न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन प्रेजेंट इन, जो स्पेशली ज़्यादातर नाइट्रोजन जो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं वो अपने ग्रोथ के लिए। ठीक है, एज अ रिजल्ट देयर इज़ अ डेप्लेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इससे क्या होता है कि जब ये नाइट्रोजन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है सॉइल में ज़्यादा लंबे समय तक। मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, और रिप्लेनिश कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि
मैन्यूर्स हो गया, फर्टिलाइजर जो खाद वगैरह हम लोग डालते हैं सॉइल में, उससे क्या होता है कि फिर से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। कभी कभी नहीं होता है कि ज़्यादा सॉइल में न्यूट्रिएंट्स लेते गए उसमें हम कुछ दे ही नहीं रहे हैं, तो प्लांट्स वगैरह न्यूट्रिएंट्स लेते लेते उसमें क्या कर देता है कि ख़त्म कर देता है उसमें पूरी तरह से, वो सॉइल कमज़ोर हो जाता है, फिर वहाँ पर अच्छे से फूड नहीं हो पाएंगे आपका क्रॉप्स वगैरह। तो फिर से उसको उसमें हम लोग क्या डालते हैं, मैन्यूर्स वगैरह डालते हैं, फर्टिलाइजर्स खाद वगैरह डालते हैं, उससे क्या होता है कि उसमें फिर से जान आ जाता है। बिसाइड नाइट्रोजन दे ऑल्सो कंटेन पोटेशियम। नाइट्रोजन के अलावा क्या क्या उसमें कंटेंट किया हुआ है, पोटेशियम होगा, फास्फोरस होगा, जो कि प्लांट्स को ज़रूरत होती है उनको हेल्दी ग्रोथ में, जब वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं हेल्दी रहते हैं तो उनको ये सब चीज़ को ज़रूरत होती है, पोटेशियम का, फास्फोरस का, ठीक है। द सिम्बायोटिक एसोसिएट विथ राइजोजोमियम, ठीक है। तो सिम्बायोटिक है वो किसके साथ एसोसिएट रहता है, राइजोबियम के साथ, ठीक है। एंड लेग्यूमिनियस प्लांट्स के साथ ये एसोसिएट रहते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, जैसे कि पी प्लांट जो होता है नेचुरली वे ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ नाइट्रोजन। ये क्या करता है पी प्लांट, ये नेचुरल है, नेचुरली ये क्या करता है प्लांट्स को, सॉइल को रिप्लेनाइजिंग करता है, ठीक है, उसको रिप्लेनाइजिंग करता है प्लांट्स नेचुरल वे से। हम लोग तो अपने खाद से डालकर उसको कर देते हैं रिप्लेनिश, लेकिन ये रिप्लेनाइजिंग किसके थ्रू करता है, एक पी प्लांट्स जो होते हैं उसके, वो नेचुरल वे से प्राकृतिक वे से वो अपने आप से करता है। सो समटाइम्स फार्मर ग्रो लेगुमिनियस प्लांट्स अल्टरनेटली विद द क्रॉप्स टू रिस्टोर द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल। कभी कभी देखते हो प्लांट्स क्या करते हैं, अगर आपके घर में खेती होता होगा तो आपको पता होगा कि जैसे कि आप धान वगैरह का किए, धान करने के बाद फिर कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं तो उसमें चना कर देते हैं, या तो फिर पी का प्लांट्स वगैरह, मटर वगैरह उसमें हम कर देते हैं, तो ये सब क्या करते हैं ना कि सॉइल को अच्छा कर देता है, उसमें से फिर से वो रिस्टोर कर देता है नाइट्रोजन को, उसमें नाइट्रोजन नेचुरल वे से, इसलिए ये सब लगाया जाता है। ओके, रूट्स ऑफ द प्लांट्स सच एज पी कंटेन, और जो रूट्स होता है इस प्लांट का, जैसे कि पी कंटेंस बैक्टीरिया, जो पी है वो क्या कंटेन करता है, बैक्टीरिया, जिसको हम लोग राइजोबियम बोलते हैं। राइजोबियम कन्वर्ट एटमोस्फेयरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म, और राइजोबियम जो है क्या करता है कि एटमोस्फेयरिक नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो ये एक गैस ना है, इसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, जिसको हम लोग अमोनिया बोलते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे अमोनिया दिया हो, द प्लांट्स इन टर्न द प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द बैक्टीरिया ग्रोथ, और प्लांट क्या करता है टर्न कर देता है उसको न्यूट्रिशन को, प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर द बैक्टीरियाज ग्रोथ, ठीक है, बैक्टीरियाज का जो ग्रोथ होता है उसके लिए क्या करता है, इसको टर्न कर देता है न्यूट्रिशन में, और फिर अच्छे से सॉइल वगैरह में हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब सिस्टम था यहाँ पे, तो ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया यहीं पे 7 क्लास का। अगर और भी कोई चैप्टर आपको पढ़ना है तो मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके डियर, बाय, टेक केयर।